भाई अगर आप लोगों ने YouTube से पैसा कमाने का सोच ही लिया है ना, तो भाई ये एक चैनल ना आज ही बना लो, आज ही नहीं भाई अभी क्या भी बना लो, क्योंकि इतनी स्पीड से ग्रो रहा है ना चैनल अभी के टाइम पे। एक ही वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इतने व्यूज आप लोग को मिलेंगे, एक महीने में 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब एक महीने में ना भाई आपका चैनल एकदम से बूम हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो यूट्यूब पे आना, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, वीडियोज बना के पैसा कमाना चाहते हो, बट आपके पास टाइम नहीं है, लाइक आप कुछ और भी काम करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग ये एक चैनल बना सकते हो, 5 मिनट में वीडियो रेडी हो जाता है। और रीच भाई इतनी रीच है ना इस चैनल पे, व्यूज की तो भाई बारिश हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। और मोनेटाइज भी होगा, अर्निंग भी होगी आपकी। देखो पहले आप लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। आप लोग देखो मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे हूँ एंड मैंने एक चैनल ओपन किया है कूल गेमर्स के नाम से। भाई इस चैनल से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। देखो ये वीडियोस बनाता है, ये एक बंदा है बेसिकली, एक वीडियो बनाता है कुछ रिएक्शन वीडियोस करके। देखो ये क्या करता है, ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन देता है लाइक जो सेटिस्फाइंग सी वीडियो होती है। देखो और कितने व्यूज आते हैं भाई इसके, इसने लेटेस्ट वीडियो डाली 45,000, 80,000, 70,000, 78,000, 2 लाख व्यूज भाई। मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखाओ ना मैं इसके आपको, देखो पॉपुलर में आता हूँ, ये देखो भाई आप लोग मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे 158 मिलियन व्यूज भाई, 15 बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 108 मिलियन, 29 मिलियन, 28 मिलियन। भाई आप लोग ऐसा चैनल क्यों नहीं बना रहे, 5 मिनट में वीडियो रेडी हो जाता है, 5 मिनट में। ऐसी वीडियोस आपको कहां से लेनी है, ये जिन पे रिएक्शन दे रहा है बंदा, ऐसी वीडियोस कहां से मिलती है नॉन कॉपीराइट, जिन पे कॉपीराइट नहीं आता, ये भी आप लोग को बताऊंगा। और आपको रिएक्शन देके एडिटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग से वीडियोस को ऊपर नीचे कैसे लगाना है, ये चीज भी आप लोग को बताऊंगा, सब कुछ एक एक चीज आप लोग इस वीडियो से सीख जाओगे। बट अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये चैनल कितनी अर्निंग कर रहा है, ये बंदा जो रिएक्शन दे रहा है ये चैनल से कितना पैसा कमा रहा है बेसिकली, ये आप लोग को पहले बताता हूँ। आप लोग के माइंड में कुछ ये आ रहा होगा कि भाई ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते, भाई गलत फहमी है आपकी, ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं और बहुत सारे लोग इन चैनल से पैसा कमा रहे हैं। 5 मिनट में ऐसे वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं और महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए आराम से कमाते हैं। देखो अभी आप लोग को दिखाता हूँ ये बंदा कितना पैसा कमा रहा है। देखो यहाँ पे अभी मैं इस चैनल का एनालिटिक्स चेक करता हूँ, ये देखो आप लोग यहाँ पे इस चैनल पे लास्ट 20 डेज में ना भाई पिछले एक महीने के अंदर लगभग 71 मिलियन व्यूज है, 71 मिलियन व्यूज, ठीक है, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स आए हैं इस चैनल पे पिछले एक महीने में, 28 दिनों में, और भाई 23 वीडियोज इसने अपलोड किए हैं। और कितना बनता है, इतना रिवेन्यू दिखाऊंगा आप लोग को इस चैनल का, कितना कमा रहा है बंदा। देखो यहाँ पे मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स ओपन किया हुआ है, जिसमें मेरे को 6.7 मिलियन व्यूज पे लगभग $34 मिले हुए हैं, मतलब अगर कैलकुलेशन करें तो 1 मिलियन व्यूज पे लगभग $5 मिल रहे हैं। YouTube शॉर्ट वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज पे लगभग $5 दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ये देखो अभी आप लोग को दिखाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन किया, उस बंदे के कितने मिलियन व्यूज है, 71 मिलियन व्यूज, 71 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ $5 से, ठीक है, ये देखो भाई $355 अभी के टाइम पे इस बंदे के बन रहे हैं कूल गेमर्स के। देखो कैसी वीडियोस बना रहा है यार, आप लोग क्यों नहीं बना रहे। देखो USDT में कितना बैठता है, मैं आप लोग को बताता हूँ, USDT INR करता हूँ, कितना था हमारा, $355 था, ये देखो भाई लगभग 29,000 रुपए, लगभग 29,500 रुपए बंदा कमा रहा है सिर्फ एड रिवेन्यू से। और ऐसे चैनल्स पे ना भाई, ऐसे चैनल्स पे स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती है, जो लोगो वाली स्पॉन्सरशिप होती है ना, वे मिलती है ऐसे चैनल्स। ओवरऑल आप लोग 50-60 हज़ार रुपए आराम से कमा लोगे अगर आप ऐसा चैनल बना लेते हो। और ऐसे चैनल कैसे बनाना है, कहां से वीडियोस लेनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, किस तरीके से रिएक्शन देना है बेसिकली, उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग को बस एंड तक देखना है, अभी कैसे जब फोन से होता है वो चीज आप लोग को बताता हूं। अभी फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और सब कुछ आप लोग समझ जाओ। दोस्तों साइड में आप लोग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही होगी, अभी मैंने इस बंदे का चैनल खोला होगा कूल गेमर, जो मैंने आप लोग को दिखाया अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमको ये वीडियोस चाहिए होंगी, जिन वीडियोस पे बंदा रिएक्शन दे रहा है ना ऐसे करके, सबसे पहले हमको ये वीडियो चाहिए होंगी। ये वीडियो आपको कहां से मिलेंगी, देखो वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कहां से मिलेंगी, बट आप लोग को एक चीज और करनी पड़ेगी जिससे आपकी वीडियो पे कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कहां से मिलेंगी आपको, आपको जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना है सेटिस्फाइंग वीडियोस, देखो ये आ गया, यहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, ये एक चैनल है ठीक है, इसकी आप बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो रखी है, 342 वीडियोस लगभग, और लॉन्ग वीडियोस भी है भाई 30-30 मिनट की। आप लोग क्या करो, शॉर्ट्स भी है वैसे, आप शॉर्ट वीडियो भी ले सकते हो। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट करना है जो आपको लगे कि भाई ये वीडियो सही है, हमको ये वीडियो बनाना है, ऐसा कोई वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। शॉर्ट्स भी कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी कर सकते हो, और इन वीडियोस पे आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, लाइक जो वीडियो आप लोग यहां से यूज करोगे उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी चीज आप लोग को बताऊंगा, वो चीज जरूर ध्यान रखना, एडिटिंग के टाइम पे बताऊंगा आपको क्या करना है। सपोज कर लेते हैं हमको मोस्ट पॉपुलर वीडियो हम ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक जिस पर 9.5 मिलियन व्यूज है, हमको लाइक इस वीडियो पर रिएक्शन देना है और किस तरीके देना है वो भी आप लोग देखना, ट्रिक बताऊंगा उसकी आप लोग को। कोई भी वीडियो आप लोग ले सकते हो, लाइक हमको ये वाली वीडियो लेनी है, आपको क्या करना है, आपके पास अगर दो फोन है तो ज्यादा अच्छा है, लाइक
मेरे पास तो दो फोन है, देखो मैंने इस वाले फोन में इस वीडियो को किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वीडियो है मेरे पास, लगे मेरा दूसरा फोन है और ये वीडियो मैंने यहाँ पे ले ली, मतलब वहां से जो मैंने आप लोग को दिखाई यहाँ से इस फोन में ले ली गैलरी में कैसे भी करके, वो खुद आप लोग देख लेना यार, वो यूट्यूब पर सर्च कर लेना आप लोग को पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना वीडियो को सेम टाइम पे प्ले करना है, आपको अपने दूसरे फोन में कैमरा ओपन करना है ऐसे करके, ठीक है, और दूसरे फोन में ना लाइक एक फोन में तो आपको वीडियो प्ले करनी है, एक फोन में आपका कैमरा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा दूर रखना अपने फेस से ऐसे करके, और दोनों को ना आपको एक साथ करना है, लाइक वीडियो भी प्ले एक साथ होनी चाहिए आपकी और आपका कैमरा भी, आप लोग को एकदम जेन्युइन रिएक्शन देने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ और आप लोग देखो बस, ये 3-2-1 स्टार्ट। ओ भाई ये ऐसे मेल्ट होता है, अरे कैसे धुएं उठ रहे हैं, ये भाई कैसे कट कर रहा है यार, ये बिल्कुल एकदम, अरे भाई 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 ये मशीन तो मेरे को भी चाहिए भाई, ठीक है ये कट किया फिर इसने। ओ भाई भाई कैसा एकदम से, मतलब बिल्कुल तरीके से कर रहा है भाई, ये किस तरीके से मेल्ट हो रहा है, जैसे घी मेल्ट होता है यार, और ये भी मेल्ट कर दिया भाई इसने, तो ग्लू लग रहा है मेरे को कुछ, इस तरीके से रिएक्शन देना है भाई, बहुत ज्यादा इजी। लाइक अगर आप कोई चीज देख रहे हो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में आएगा ना कि भाई यार ये कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो ऐसे ही आपको बस कैमरे के सामने बोलना है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। और इन पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसे चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं होते हैं, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, रियूज कॉन्टेंट वगैरह आ जाता है। देखो यूट्यूब की पॉलिसी क्या कहती है, अगर आप लोग किसी की वीडियो सेम टू सेम उठा के अपने चैनल पर अपलोड करते हो तब आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, इनफैक्ट आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। बट अगर आप किसी की वीडियो को उठाते हो और उसमें कुछ नया ऐड करते हो तो आपको मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, आपकी यूट्यूब से इनकम भी होगी, समझ रहे हो ना बात को। लाइक अगर आप लोग किसी की वीडियो लाइक मेरी वीडियो आप लोग सेम टू सेम उठा के मेरी शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो भाई आपको रियूज्ड कंटेंट भी आएगा और मैं आपको कॉपीराइट वगैरह भी दे सकता हूं और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। बट अगर आप लोग मेरी वीडियो उठाते हो और उसमें कुछ नया ऐड करते हो, कुछ एडिटिंग के थ्रू कर देते हो, कुछ अपना रिएक्शन वगैरह दे देते हो या कुछ भी, उसमें बस आपको नया ऐड करना है तो भाई कुछ नहीं होगा, आपके चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बंदा जो है कूल गेमर करके, ये बंदा यही तो करता है भाई, तभी तो इसका चैनल मोनेटाइज है, तभी तो इस चैनल से अर्निंग कर रहा है। ये बंदा किसी की वीडियोस उठाता है और उसमें कुछ नया ऐड करता है, लाइक अपना फेस ऐड कर रहा है ना ये, तो कुछ ना कुछ तो ऐड कर रहा है, इसीलिए यहां पे YouTube ने इसको कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं दिया और इसका चैनल आसानी से मोनेटाइज भी हो गया। तो देखो अब हमने अपनी वीडियो पे ऐसे करके रिएक्शन दे लिया, अच्छे से रिएक्शन दिया हमने, अब ऐसा नहीं है भाई आप लोग उसको ऐसे ही अपलोड कर दोगे, उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग तो करनी पड़ेगी ना, बहुत से लोगों को एडिटिंग ही नहीं आती, तो मैं आप लोग को एडिटिंग बताता हूं, ऐसी वीडियोस की एडिटिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखो। देखो वैसे आप लोग कई सारी एप्लीकेशन से कर सकते हो, बट अगर सिंपल तरीके से करना चाहते हो, लाइक आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, तो VN एडिटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मैं सारी वीडियोस अपनी पहले उसी से एडिट करता था, बहुत सही एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे VN एडिटर एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, ये आप लोग देख सकते हो, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सबसे पहले आपको वो वीडियो को इम्पोर्ट करना है जिस पे आपने रिएक्शन दिया है, लाइक ये हमारे वीडियो है, ये हमारा वीडियो आ चुका है, ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक परफेक्ट साइज भी सिलेक्ट करना होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स का साइज होता है, लाइक अगर आप लोग किसी और साइज में वीडियो अपलोड कर दोगे ना तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आपको, तो YouTube Shorts का साइज सही साइज क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ओरिजिनल वाले बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक Instagram का भी है, YouTube का ऐसा भी है, इसमें सारे इन्होंने अपने अलग से ऑप्शन दिए हुए हैं, बट सेकंड वाले वो जो ओरिजिनल के जस्ट बराबर में आपको एक ऑप्शन मिलता है 9:16, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखो बन गया ना हमारा शॉर्ट्स का साइज, अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर खिसका देना है जिसमें हमने रिएक्शन दिया है, ये वो वीडियो है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दो इसको जिससे आधे पे आ जाए पूरे, हमको इसको किसी भी तरह आधे पे लाना है ऐसे करके, ये आ गया, थोड़ा सा कम भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी हमारी वीडियो हो गई, अब हमको अपनी वो वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, हमारी जो रिएक्शन वीडियो है जो हमने अपने कैमरे से ऐसे करके शूट किया, हमको कैसे करनी है, साइड में आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट का मिलता है, उसी के जस्ट नीचे आपको एक वीडियो ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको अपनी रिएक्शन वीडियो सिलेक्ट करनी है, लाइक जिस जो वीडियो पे आपने रिएक्शन दिया है। अब देखो गाइस रिएक्शन हमने स्टार्टिंग से दिया था ना, हमने दोनों वीडियोस को सेम टाइम पे प्ले किया था, लाइक हमने अपनी जो रिएक्शन वीडियो जिस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं उसको भी सेम टाइम पे प्ले किया था और अपने कैमरे को भी, तो हमको लिपसिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमको यहाँ पे बस स्टार्टिंग में वीडियो को सेट करना है। अब देखो वो चीज भी आप लोग को बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी की वीडियो उठा लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, आपको एक काम और भी करना पड़ेगा, वो भी आप लोग को बताऊंगा। देखो अब हमको यहाँ पे इस पिक्चर को जो है सिलेक्ट करना है, ऐसे करके सेट करना है, जो ऊपर का हिस्सा है हमको उसको रिमूव कर देना है, लाइक अभी यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, आपका जो ऊपर का फालतू का हिस्सा है ना फ्री वाले बटन में क्लिक करो, नीचे ऊपर का जो फालतू का हिस्सा है इसको ऐसे करके क्रॉप कर दो, ये देखो हो गया ना, यहाँ पे कट गया पूरा, ये आ गया, अब इसको यहाँ पे नीचे खिसका दो, ये देखो भाई, अब देखो कितना सही लगेगा ये, मैं आप लोग को एक बार प्ले भी करके दिखाऊंगा, अब देखो मैं आप लोग को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ओ भाई ये ऐसे मेल्ट होता है,
अरे कैसे धुएं उठ रहे हैं ये भाई, कैसे कट कर रहा है यार ये, बिल्कुल एकदम, ये मशीन तो मेरे को भी चाहिए भाई। ठीक है ये कट किया फिर इसने। ओ भाई भाई क्या देख रहे हो ना भाई, कैसा एकदम मतलब रिएक्शन मैच हो गया ना हमारा। तो यही चीजें होती हैं भाई। अब देखो क्या होगा, ये तो जरूरी नहीं है कि आपको ही देख रहा है कोई, आपको बहुत कम लोग देखेंगे। जो ऊपर की वीडियो है ना, इन वीडियोज को देखने के लिए रुक जाएंगे लोग। ऊपर वाली वीडियो देख रहा है कोई, नीचे वाली देख रहा है, फायदा तो आपकी वीडियो को ही हो रहा है ना, पैसा तो आपको ही मिल रहा है, यूट्यूब तो जो अर्निंग हो रही है वो आपको ही दे रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी वीडियोज बनाओ आसानी से। अब एक चीज और बता दूं आप लोग को, देखो आपने जिसकी वीडियो यूज की उसको आपको यहाँ पे प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डाला जाता है वो आप लोग को बताऊंगा। अब क्रेडिट कैसे देना है वो आप लोग देख लो। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले इसके चैनल का नाम देखो, हमने किसकी वीडियो यूज की है, आपको इसके चैनल का नाम देखना है। सबसे पहले क्या नाम है इस बंदे के चैनल का, देखो नीचे आपको @ लिखा हुआ मिल जाता है ना, ओल्डली सेटिस्फाइंग, तो आपको यहाँ पे करना है एडिटिंग के थ्रू टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, टाइटल वाले बटन पे क्लिक करना है, एड हेडिंग वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको @ लगाना है और सेम टू सेम इस बंदे के चैनल का नाम लिखना है। ऐसे करके देखो, ये मैंने आप लोग को ऐसे ही लिख के दिखाया, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है बट आप लोग अच्छे से लिखना ठीक है। यहाँ पे छोटा सा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोटा सा कर दो, बस आपको क्रेडिट देना है और इसको यहाँ पे पूरी वीडियो में कर दो ऐसे करके, तो ये पूरी वीडियो में आ जाएगा। इससे क्या होगा यार, जो बंदा होगा ना, आप इसको प्रॉपर क्रेडिट दे रहे हो ना, अब कोई आपकी वीडियो में व्यू आ रहा है तो वो उसके चैनल पे भी जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने टैग कर दिया, सिर्फ यहाँ टैग करने से काम नहीं चलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरीके से लिखना है, वीडियो ओरिजिनल वीडियो लिख सकते हो, वीडियो क्रेडिट लिख सकते हो, कुछ भी, या तो लिखो ओरिजिनल वीडियो और स्लैश लगा के @ इसके चैनल का नाम जो बंदा है, या फिर लिखो वीडियो क्रेडिट और @ लगा के चैनल का नाम ठीक है। और नीचे आपको एक फेयर यूज करके कुछ आता है, यहाँ पे पॉज करके आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, या गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा, ये चीज आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डालनी है। अब लाइक हमारा वीडियो इतना रेडी हो चुका है, हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक जो आइकन मिलता है इस पर क्लिक करना है। लाइक एक तो आपको मेमोरी कार्ड का कुछ आइकन मिलता है, इससे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा, जस्ट मतलब प्रोजेक्ट सेव होगा, वीडियो सेव नहीं होगा। उसके बाद हमें एक डाउनलोड का जो आइकन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी वीडियो का एक्सपोर्ट करना। लाइक रिजोल्यूशन आप कितना रख सकते हो, आपका जो भी आपका फोन जो आपने वीडियो शूट किए वो कितने रिजोल्यूशन में शूट करता है, 1080 पिक्सल, 720 जितने भी, तो आप लोग उतना, मेरा 4K में करता है तो 4K में एक्सपोर्ट करता हूँ। FPS आपको हमेशा 60 रखना है। FPS में क्या होता है, देखो जो आपकी वीडियो में मूव हो रही है ना चीजें, लाइक आप लोग ऐसा बना रहे हो, आपका मूव ही ऐसे मूव हो रहा है, तो वो स्मूथ चलेगा बहुत ज्यादा। एवरेज बाइट रेट को आप रख सकते हो यहाँ पे 50 के आसपास, और जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे एक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो VN एडिटर यार इसके लिए बहुत सही है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप ये वाला एप्लीकेशन यूज करो। कैपकट भी आता है वैसे, काइन मास्टर भी, बहुत सारे हैं, बट ये भी एकदम सिंपल है। देखो किस तरीके से हमने 2 मिनट में अपनी वीडियो को रेडी कर दी। तो यार ऐसी वीडियोस आप लोग बनाओ, बहुत ज्यादा रीच है यार इन वीडियोस में, बहुत तगड़े तरीके से वीडियोस वायरल होती है। मैं तो कहता हूँ भाई आज के आज ही आप ऐसा चैनल बना लो। देखो हमारी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब फाइनल मैं एक बार वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे, आप लोग देख लो एक बार। ओके तो गाइस होप करता हूँ यार ये सब कुछ जो मैंने आप लोग को बताया अच्छे से आप लोग के समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, लाइक आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग यार कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं सबकी कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और जो जरूरी होता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ।